कहानी है अकबर बीरबल की जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतार कर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में लेकर जाकर बात देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता तो अंत में बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल ज़ोर से बोलता है, जा पना इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है। चोरी इस सेवक ने ही की है क्या तुम्हें तब बीरबल बोलता है तुम्हें तब बीरबल बोलता है जहाँ पना ये गधा जादुई नहीं है, ये बाकी गधों की तरह साधारण नहीं है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक ख़ास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा। इस चोर को छोड़कर इसलिए हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया। बीरबल की इस अकलमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उससे उपहार भी दिलवाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करना चाहिए।
दोस्तों गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हैव अ नाइस डे। खुश रहो दोस्तों और शेयर करना मत भूलना।